अक्सर हम अपने फेस पे तो ध्यान देते हैं क्योंकि फेस हमारा सामने दिखाई देता है, लेकिन जो हमारी नेक का एरिया होता है उसको हम हमेशा भूल जाते हैं, मतलब अक्सर भूल ही जाते हैं और उस पर ध्यान ज़्यादा नहीं जाता है, और नतीजा क्या निकलता है कि नेक पे भी रिंकल आने लगते हैं। क्योंकि नेक की हमारी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, पतली होती है, तो नेक पे अगर हम ध्यान नहीं देते हैं और कुछ गलतियां अपने डेली रूटीन में करते जाते हैं तो उसकी वजह से नेक पे बहुत जल्दी रिंकल आ जाते हैं, चाहे एज कम ही क्यों ना हो। तो आज मैं आपको मसाज बताऊंगी और साथ में एक्सरसाइज बताने वाली हूँ और कुछ सावधानियां आपको ध्यान रखनी है अगर आप चाहते हैं कि आपके नेक पे रिंकल ना आए, अगर आ गए हैं तो उनको कैसे आपको रिमूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। फेस पे तो सब लोग ध्यान देते हैं और कभी ना कभी दिन में एक बार या फिर दो तीन दिन में एक बार मसाज कर ही लेते हैं या एक्सरसाइज भी कर लेते हैं कि हमारे फेस के ऊपर रिंकल ना आ जाए, और फेस के ऊपर हम फेस पैक भी लगा लेते हैं, क्रीम भी अच्छी अच्छी यूज़ करते हैं, लेकिन अपनी नेक को भूल जाते हैं। नेक पे हल्की फुल्की कोई क्रीम लगा ली, चलो ठीक है, लेकिन नेक का जो हमारा एरिया होता है उस पर हम डेली रूटीन में बहुत सारी गलतियां करते जाते हैं। कौन सी गलतियां? गलतियाँ ये होती है जैसे हम खाना बना रहे हैं, लेडीज अक्सर जो खाना बनाती है तो इस तरीके से ही हम प्याज काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, मुँह हमारा हमेशा ऐसे ही रहता है। तो आपने देखा होगा वहाँ से जो नेक का एरिया होता है ये स्किन फोल्ड हुई रहती है, मतलब आपस में मिल जाती है, डबल हो जाती है, फोल्ड करके मुड़ जाती है। और जहाँ से हमारी स्किन फोल्ड हो जाती है अगर लंबे समय तक इस तरीके से स्किन एक दूसरे से टच होती रहती है फोल्ड होके, तो वहाँ पे रिंकल दिखाई देने लगते हैं। तो नतीजा क्या होता है कि हमारी नेक के ऊपर बहुत जल्दी रिंकल आ जाते हैं। फिर हम जब सोते हैं तो इस तरीके से नेक करके सोते हैं या इस तरीके से सो रहे हैं, तो नेक हमारी या तो साइड से इस तरीके से नेक की स्किन फोल्ड हो रही है, या फिर अगर सीधे सो रहे हैं तो ऊपर से भी फोल्ड हो रही है, या फिर फ़ोन देख, आजकल तो फ़ोन इतना ज़्यादा लोग देखने लग गए हैं, मैं भी देखती हूँ, मेरा तो काम ही ज़्यादा फ़ोन से रिलेटेड होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, तो बहुत ज़्यादा स्क्रीन के सामने रहना पड़ता है, मेरे से भी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है, नेक पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती, और जैसे कि मेरा टाइम बहुत कम होता है मुझे अपने ऊपर ध्यान रखने का, फेस की मसाज भी मैं कभी कभार करती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है, तो नेक की मसाज तो बहुत ही कम, 3-4 दिन में एक बार मुश्किल से याद आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो वो भी गया। तो मेरे नेक के ऊपर भी रिंकल आने लगे हैं, लेकिन मैं अभी थोड़ा अपने आप के लिए टाइम निकालने की कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा ध्यान दे सकूँ, और उम्मीद है आगे के टाइम में मैं ये चीज़ें अपनी ठीक कर लूँगी। तो आप लोग भी ठीक कर लीजिए, क्योंकि नेक पे जो रिंकल आ जाती है ये भी भद्दे लगते हैं, खाली आपका फेस सुंदर हो यही अच्छा नहीं लगता, नेक के ऊपर भी रिंकल नहीं होने चाहिए। तो आप ऐसी गलतियां ना करें, जब भी आप फोन देखें तो इस तरीके से देखें, मतलब नेक को आप सीधा रखने की कोशिश करें, इस तरीके से ना रखें, मतलब स्किन से स्किन टच नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से करेंगे तो ये जो नेक की स्किन है ये टच होती है, फोल्ड होती है, तो उसका ध्यान रखें। सोएं तब भी इस तरीके से ऐसे मुंह करके सोएं, या फिर अगर पिल्लो के ऊपर तो यहाँ पे अपना कोई पफी सा पिल्लो जो बहुत मुलायम हो यहाँ पे इस तरीके से रख ले साइड में, जिससे आपकी नेक इस तरीके से फोल्ड ना हो। अच्छा, एक चीज़ का और आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे कोई आपके पास टॉवल हो या फिर मुलायम कोई कपड़ा, उसको फोल्ड करके आप इस तरीके से नेक के ऊपर लगाइए और ऐसे आप सो सकते हैं, पूरी रात आप इस तरीके से सो जाइए। इससे क्या होगा, आपकी स्किन आपस में टच नहीं होगी, नेक की स्किन टच नहीं होगी और स्किन मतलब एकदम लेयर में रहेगी, और जो आपके रिंकल्स आ जाते हैं तो वो ज़्यादा नहीं आएंगे बल्कि कम होने शुरू हो जाएंगे। अब चलिए एक्सरसाइज की और मसाज की बात करते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हम लोगों के लिए, ताकि आपके रिंकल्स ना आए और अगर आ गए हैं तो वो गायब हो जाए। तो मसाज किस तरीके से करनी है आपको, देखिए जब भी हमारे रिंकल जहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ जो ये वाला एरिया, तो यहाँ से शुरू होते हैं रिंकल और इस तरीके से पीछे की तरफ जाते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा गहरे दिखाई देते हैं और यहाँ पे लाइट होते जाते हैं पीछे की तरफ, तो हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से मसाज करते हैं। बहुत से आपने लोगों को देखा होगा इस तरीके से, ये मसाज का मेथड होता है जो कि गलत है, इस तरीके से आपको मसाज कभी नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से आप मसाज करते हैं तो आपके रिंकल रिमूव नहीं होंगे, बल्कि क्या करना है आपको मसाज सेंटर की तरफ ही लाना है। इस तरीके से देखिए कैसे, ऐसे पकड़ के एक हाथ अपनी नेक के पीछे लगाएंगे
और अभी ऑयल ले लेती हूँ मैं भी। कोई भी आप कोकोनट ऑयल, ओलिव ऑयल, ऑयल कोई भी आपके घर में ऑयल हो उसको आप लेके पहले हल्का हल्का अपनी नेक के ऊपर लगाएंगे। और फेस के लिए भी मैंने आपको मसाज बता दी है, तो पूरे फेस की मसाज भी आप इसी तरीके से ऑयल लगा के करें। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप देख के और फेस की मसाज भी कर सकते हैं। तो नेक की कैसे करनी है, तेल हमने लगा लिया है तो इस तरीके से एक हाथ नेक के पीछे रखें और दूसरे हाथ से सेंटर की तरफ ऐसे मसाज करते हुए सेंटर की तरफ जाना है। ऐसे जैसे आपके 10 रेपिटेशन हो जाए फिर आप दूसरे हाथ को ऐसे रखेंगे और दूसरे हाथ से इस तरीके से सेंटर की तरफ। ये फिर उसके बाद जो आपका बिल्कुल सेंटर वाला एरिया उसको ऊपर की तरफ इस तरीके से मसाज करनी है। इस तरीके से आप मतलब दिन में दो बार भी कर सकते हैं। और कितना करना है, कितने टाइम के लिए, 30 सेकंड के लिए। आप जैसे आपका ये वाला एरिया होता है जो आपके कान के पास वाला एरिया होता है और ये सीधा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है दोनों साइड में, तो आपने क्या करना है, ऑयल लगा के उंगलियों के ऊपर और यहाँ से ले जाते हुए ऐसे यहाँ पे हमारे मसल्स होते हैं, ये मसल्स होते हैं तो इनको टाइट करने के लिए हमें इस तरीके से साइड में मसाज करनी चाहिए। ये तो इस तरीके से आपको अपने नेक की मसाज करनी है। आप दिन में दो बार कर सकते हैं, तीन बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अपने डेली रूटीन में जो गलतियां कर रहे हैं उनको सुधार लीजिए। अब एक्सरसाइज कौन सी करनी है, एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, डेली सुबह उठ के या शाम को भी कर सकते हैं, जब भी आपका दिल करे तब कर लीजिए। इस तरीके से अपनी गर्दन को सीधा उठाएं। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है, सिर्फ आपको गर्दन को उठाना है और यहाँ पे स्ट्रेच देना है, मतलब इसको चिन को खींच के रखना है। देखिए कैसे, तो ये एक्सरसाइज आप करें पहले सेंटर में, इधर इधर, और जब आप इधर ले जाए तो हल्का सा हाथ से स्ट्रेच कर लें स्किन को, बहुत हल्का सा, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, हल्का सा आपको पकड़ के रखना है। जब आप इधर ले जाएं इस हाथ से आप हल्का सा हाथ रख के जैसे आप स्किन को थोड़ा सा टाइट कर रहे हैं इस तरीके से इधर जाए, तो ये आपको करना है। कम से कम 5 रेपिटेशन आप कर ले एक बार में, 3 बार भी कर सकते हैं दिन में, 2 बार भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिल रहा है तभी आप कर लें। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज होगी और आपका मसाज भी हो गया। तो आप अगर इन चीज़ों को डेली रूटीन में शामिल करते हैं और आपका जो सोने का तरीका है, बैठने का तरीका, फ़ोन देखने का तरीका है वो थोड़ा आप सही तरीके से करते हैं, ऐसे नेक को ऐसे रखते हैं, नेक को फोल्ड नहीं होने दे रहे, इस तरीके से नहीं रख रहे हैं, तो आपके रिंकल जरूर 15 दिन में रिमूव हो जाएंगे। बहुत जल्दी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आज इतना ही, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करना मत भूलेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा दे। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।